आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में मैसेज ऐप नहीं चल रहा है या फिर मैसेज ऐप ओपन नहीं हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आएगा यहाँ पे ऐप्स, ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा मैनेज ऐप्स, तो मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए। ये मैनेज ऐप्स आपके फ़ोन में ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट नाम से आ सकता है। तो इसे ओपन करने के बाद अब आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आएगा मैसेजेस कुछ इस तरीके से। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आएगा मैसेजेस कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं मैसेजेस यहाँ पे आ रहा है। तो आपके फ़ोन में इसका लोगो या फिर आइकन अलग हो सकता है, तो इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पे क्लिक करिए, ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए या फिर ये आपके फ़ोन में स्टोरेज यूसेज के नाम से आ सकता है, तो इस पे क्लिक करने के बाद नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए। उसके बाद क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करिए, यहाँ पे ओके करिए। ये करने से कोई आपका मैसेज या फिर कोई डेटा डिलीट नहीं होगा। तो उसके बाद बैक आइए, ऐप परमिशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे अगर कोई परमिशन नॉट अलाउड में आ रही है कुछ इस तरीके से, तो फिर उस पर क्लिक करिए और ऊपर अलाउ पे क्लिक करिए, बैक आइए। ये सारी परमिशन आपको अलाउ रखनी है। तो अब उसके बाद अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, यानी कि फ़ोन को बंद करके चालू करिए। और ये देख सकते हैं मैसेज ऐप अब आपके फ़ोन में काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।